Hello everyone, this is Amaira. I'm a spiritual life coach, motivational speaker, tarot card reader, numerologist and a vastu expert. और मैं हाजिर हूँ आपके सामने आपका मंथली टैरोस्कोप लेकर के। जी हाँ, बताएंगे आपको कि आपका जुलाई 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। हम बात कर रहे हैं सभी राशियों की और अब बारी है हमारी सातवीं राशि जो है लिब्रा, यानी कि तुला राशि। तो तुला राशि वालों का जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, क्या कुछ इसमें अप डाउन होंगे, कहाँ प्लस कहाँ माइनस, लव लाइफ में कुछ बात आगे बढ़ेगी या स्टिल वहीं पे स्टक रहने वाले हो, ये सब मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले लिब्रा बताते हैं कि आपके कार्ड्स जो हैं वो क्या आए हैं। कार्ड्स आपके लिए आए हैं दी हाई प्रीस्टेस, नो एक्शन, फादर हीलिंग, लव योर सेल्फ फर्स्ट, थ्री ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स एंड दी एम्परर। काफ़ी ज़्यादा प्लस माइनस वाला सा महीना दिखाई दे रहा है जुलाई आपके लिए। यहाँ पे बोल सकती हूँ लिब्रा, सबसे पहले जो ओवरऑल एनर्जी है पूरे महीने की, उसके लिए कार्ड यहाँ पर आपका आया है दी हाई प्रिस्टेस, यानी कि बड़ी मिस्टीरियस सी एनर्जी लेकर के ये महीना आपके जीवन में आ रहा है। कोई क्लैरिटी नहीं रहने वाली, कभी कुछ लगेगा कि हाँ ऐसा हो जाएगा, सडनली आपको लगेगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। काफ़ी चीज़ें हिडन रहने वाली हैं इस महीने के अंदर आपसे, और काफ़ी लोग आपके पीछे भी जो है आपको हार्म करने की प्लानिंग कर सकते हैं। आप पे लिटरली बोलते हैं कि जादू टोना टोटका कुछ भी ट्राई कर सकते हैं आपको हार्म करने के लिए। तो इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हालांकि आप जिस भी ईस्ट में विश्वास करते हैं उसकी एनर्जी भी आपके साथ है, तो वो आपको सेव और प्रोटेक्ट जरूर करेंगी, लेकिन यहाँ पे एक्टिवनेस काफी ज्यादा दिखाई देती है, दैट पीपल रियली वॉन्ट टू हार्म यू दिस मंथ। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। यहाँ पर उसके लिए हमारे पास कार्ड्स आए हैं थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ सोर्ड्स। तो हेल्थ को लेकर के तो मैं बोल सकती हूँ चिंताएं 100% यहाँ पे बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ केसेस के अंदर हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम भी आपको आ सकती है, एक नहीं दो नहीं, काफ़ी लोग तीसरी सर्जरी से जो है यहाँ पर जूझते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मेंटल जो स्ट्रेन है आपका वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है, चिंताएँ बहुत बढ़ रही हैं, इसीलिए हेड रिलेटेड कोई भी इंजरी, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर वो भी होते हुए मुझे नज़र आ रही है। कुछ केसेस में स्पेसिफिकली आपके लेग में प्रॉब्लम हो सकती है, टांग में चोट लग सकती है। तो हेल्थ को लेकर के तो मैं बोल सकती हूँ कि जुलाई बिल्कुल रेड अलर्ट जैसा महीना आपके लिए रहने वाला है। आपको हर तरीके से हर हाल में अपना एक्स्ट्रा ध्यान रखना ही रखना है, चाहते ना चाहते हुए। आप कहीं ना कहीं होता ना कि एक्सीडेंट प्रोन हो जाता है कई बार बंदा, कि गिरेगा ही गिरेगा, लगेगी ही लगेगी चोट उसको। तो जुलाई के महीने में बैक टू बैक कुछ ना कुछ इंसिडेंट ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपका ब्लड जो है वो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। इट कैन बी ए सर्जरी, किसी ना, क्योंकि ब्लेड लगेगी तो ब्लड तो आएगा, कोई एक्सीडेंट हो जाना, कुछ हो जाना छोटा मोटा जिसकी वजह से आपका ब्लड निकले, ऐसी संभावना बहुत ज्यादा यहां पर बनी हुई है। तो यहां पे मैं साथ साथ आपको एक रेमेडी जरूर बताना चाहती हूं कि आपने मंगलवार वाले दिन जो है हनुमान जी को जाकर के आप यहां पर लाल रंग के फूल अर्पित कीजिए, और उनका जो सिंदूरी तिलक होता है वो जरूर आप लगा करके आए प्रोटेक्शन के लिए। वही जो है मैं बोल सकती हूं कि इन सब चीजों से, ये जो इतने सारे एक्सीडेंट हमें दिखाई दे रहे हैं, इनसे आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं पैसे की, पैसा कैसा रहने वाला है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुसीबतें पैसे को लेकर के झंझट तो बहुत ज़्यादा दिखेंगे जुलाई के महीने में, लेकिन अल्टीमेटली सुख भी बहुत अमेजिंग दिखाई दे रहा है। वेल्थ अच्छी रहेगी, बहुत अच्छा अमाउंट जनरेट करते हुए नजर आ रहे हैं। एंटरप्रेन्योर हैं खास करके, यानी कि कोई भी ऐसा काम है जो आप खुद करते हो, यू नो, आप पे डिपेंड करता है, आप काउंसलर हो, कोई आपका इंडिविजुअल काम है, डॉक्टर हो, तो मुझे बहुत अच्छा, मैं बोल सकती हूँ मनी फ्लो जुलाई के महीने में काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है। काफ़ी खुश भी नज़र आ रहे हो कि लिटरली जो प्लानिंग की थी उससे ऊपर कहीं ना कहीं अर्न करोगे। हालांकि बीच बीच में कई बार ऐसी फीलिंग आएगी कि हम स्टक हो गए हैं, पैसा नहीं आ रहा, पैसा स्टक हो गया है, लेकिन वो ज़्यादा नहीं है। मैं बोल सकती हूँ कि मान लीजिए कोई पेमेंट सुबह आनी थी, 8 घंटे डिले होकर के शाम तक आ जाएगी। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट था वो अभी आना था, तो 8 दिन के बाद आ जाएगा, लेकिन आपके पास आ जाएगा फॉर श्योर। जुलाई का महीना आपको मॉनिटरी बेनिफिट्स बहुत अच्छे और अमेजिंग यहाँ पर देने वाला है। अब बात करते हैं आपके जॉब की, आपके करियर की, आपके बिजनेस की, कि उसमें जो है जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है उसको लेकर के। तो एम्परर एंड फोर ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो दोनों ही केस में बहुत, मुझे बोल सकती हूँ, स्मूथनेस दिखाई देती है। जॉब भी बहुत अच्छी ही जा रही है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम, कोई हिंड्रेंस यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। बिजनेस के मामले में तो ग्रो ही कर रहे हो, एक लेवल और ऊपर चले गए हो। कुछ केसेस के अंदर करियर वाइज अगर मैं बात करूं, आप पॉलिटिक्स से अगर बिलोंग करते हो तो यहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा, अब कोई ना कोई नई गद्दी आपको मिलते हुए यहाँ पर नज़र आ रही है, कोई नई पोजीशन आपको ऑफर हो सकती है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए समय बहुत ही अच्छा है आपके, इसमें कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो तो जुलाई के महीने में आप ये जो है बिल्कुल खरीद सकते हो। लिब्रा आप बात करेंगे आपकी लव लाइफ की, कहाँ से आए हैं, लव योर सेल्फ फर्स्ट एंड फादर हीलिंग।
कहीं ना कहीं एक तो आपके पेरेंट्स के साथ में आपके रिलेशनशिप थोड़े से ठीक नहीं हो सकते, जिसकी वजह से आपकी रोमांटिक लाइफ भी इम्पैक्ट हो रही है। तो अपने फादर के साथ खास करके अपने रिश्तों को आपने ठीक करना चाहिए, उनके साथ अपने रिश्तों को हील कीजिए, उनसे बात कीजिए। अगर आप बात नहीं कर रहे हैं तो उनको कोई गिफ्ट वगैरह दीजिए, उन्हें बाहर लेकर के जाइए, पेरेंट है तीर्थ यात्रा करा दीजिए, कुछ ना कुछ ऐसा कीजिए जिससे उनका मन प्रसन्न हो जाए। उनका मन प्रसन्न होने से आपकी लव लाइफ बेटर हो जाएगी। दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड राइट नाउ। ठीक है, कुछ केसेस के अंदर ऑफकोर्स होता है कि हम हमेशा दूसरे इंसान में ही सब कुछ ढूंढते रहते हैं, उसमें बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं प्यार के मामले में। बट मैं बोलूँगी खुद से प्यार करना सीखो। अगर आप खुद से प्यार नहीं कर सकते तो कोई आपसे प्यार नहीं करता। आप खुद को वैल्यू करोगे, खुद को प्यार करोगे तो सामने वाला ऑटोमेटिकली आपको प्यार करेगा और वैल्यू करेगा। लेकिन आप सोचो कि मेरी नज़रों में तो मेरी वर्थ जीरो है और मैं सामने वाले से एक्सपेक्ट करूं कि वो मुझे देवी बना करके रखे, तो वो कभी नहीं रखेगा। तो यहाँ पे खुद से प्यार करना सीखना आपके लिए जुलाई मंथ में, आप ही मान लीजिए आपका लेसन है दैट यू हैव टू लर्न टू लव योर सेल्फ। ठीक है, ये आपने ज़रूर करना है। अनदर मैसेज विच इज़ कमिंग फॉर यू इज़ कोई बहुत बड़ा प्लान कर रहे हो किसी चीज़ के अंदर, यू नो कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, कोई नया वेंचर स्टार्ट करना है, तो क्या करना चाहिए? द आंसर इज़ नो। अभी जुलाई के महीने में कुछ नया स्टार्ट नहीं करना है। जो एग्जिस्टिंग है उसी से बहुत अच्छा कमाने वाले हो तो उसको फ्लरिश होने दो, उसको इन्जॉय करो। नया कुछ भी स्टार्ट जुलाई के महीने में नहीं करना है, एक्सेप्ट इफ़ यू वॉन्ट टू बाय अ प्रॉपर्टी यू कैन बाय अ प्रॉपर्टी। उसके अलावा कोई नई इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं करनी है। अनदर कार्ड फॉर यू इज़ जो ऑलरेडी प्लान्ड आपने होता ना कि हमारे ऑलरेडी पाइपलाइन में थे, कहीं ना कहीं हमने ऑलरेडी बढ़ा रखा है उसको, अब तो आगे एग्जीक्यूट करना है, वो बिल्कुल कर सकते हो। एक्शन का कार्ड आपके लिए आया कि दैट यू नीड टू टेक एक्शन, तो आप अपने काम को लेकर के एक्शंस ले सकते हो। जो चीज़ें ऑलरेडी स्टार्ट कर रखी हैं मैं तो बोल रही हूँ उसी पर ध्यान दो, उसी से बहुत कुछ जुलाई के महीने में आप बना जाओगे। ठीक है जी, मेन मैसेज फॉर यू, स्पेशल मैसेज फॉर यू इज़ कम टू मी लव पोशन। ओके, अगर आप चाहते हो कि किसी, आपको एक दिमाग में है कि मेरा ये ड्रीम है कि इस तरीके का इंसान मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, वो लड़की या लड़का कुछ भी हो सकता है, और आप उसको अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आप चाहते हो कि मैं उसको विजुलाइज कैसे करूँ, तो उसके एक पोशन आप बना सकते हो। आपने क्या लेना है, एक पानी होता है ना कि एक बॉटल ले लो सबसे पहले, जैसे बिस्लरी का बिल्कुल क्लीन वाटर होता है वैसे ही आपने छोटी वाली बॉटल बिस्लरी की ले लो, उसके अंदर आपने 6 ड्रॉप निरॉयल की डालनी है। आप ऑरेंज ऑयल भी ले सकते हो, 3 ड्रॉप लेवेंडर डाल लो और 3 ड्रॉप जो है वहाँ पे रोज़ ऑयल डाल लो। इसको अच्छे से मिक्स करके रात को सोने से पहले उस स्प्रे को जो है अच्छे से स्प्रे बॉटल में डाल लो उसको, और स्प्रे करके फिर सो। आपको ड्रीम्स में विजिटेशन होनी शुरू हो जाएंगी। आपका जो इंसान जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो आपके पास ड्रीम में दिखना शुरू हो जाएगा कि कौन है वो जो आने वाले वक्त में आपकी लाइफ में आने वाला है। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ पॉसिबल हैं। कलर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो पिंक कलर एंड ग्रीन कलर बोथ आर लकी फॉर यू। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो नंबर 4 एंड नंबर 9 इज़ लकी फॉर यू। तो लिब्रा, ये था आपका मंथली टैरोस्कोप। आई होप यू लाइक द रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग्स अच्छी लग रही हैं, आप अपना पर्सनल सेशन हमारे साथ बुक करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।